तो दोस्तों लाहौर के LCCA क्रिकेट ग्राउंड में आपको खुश आमदीद। आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो PSL शुरू हो चुका है और तमाम पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम के क्रिकेटर्स हैं वो वहाँ पे बिजी हैं, तो ये ट्रेनिंग की वीडियो दरअसल किन की है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 26 खिलाड़ियों का कैंप तरतीब दिया है, जिनमें कोचिस में सबसे पहले आप जान लें कि मिसबाहुल हक हैं, सकलैन मुश्ताक हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं और साबिक फास्ट बॉलर राव इफ्तिखार अंजम जो हैं वो भी यहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं। और आप जाने कि इनमें खिलाड़ी कौन कौन से हैं। साबिक टेस्ट कप्तान अजहर अली इसमें शामिल हैं, टेस्ट ओपनर आबद अली इसमें शामिल हैं, टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास इसके अंदर शामिल हैं। और इसके अलावा वो खिलाड़ी जो टीम से ड्रॉप हुए हैं या टीम का किसी तरह से टेस्ट टीम का हिस्सा है, जैसे नुमान अली स्पिनर जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अब हम आपको उन खिलाड़ियों के नाम बताते हैं जो डोमेस्टिक में अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, किसी तरह से पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी बने थे मगर अब बकायदा हिस्सा नहीं है। जैसे T20 में मुख्तार अहमद ओपनर थे, इसके अलावा उस्मान सलाहुद्दीन टेस्ट टीम का हिस्सा बने थे, ज़ियाउल हक कैंप में बुलाए गए थे, फास्ट बॉलर ज़ियाउल हक जो लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर हैं वो इस कैंप में शामिल हैं, इमरान बट जो कि टेस्ट टीम के अंदर शामिल हैं इस वक्त पाकिस्तान के वो यहाँ पे हैं, और बाकी डोमेस्टिक में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले जैसे अब्दुल्ला शफीक, अतर महमूद, कामरान गुलाम, मीर हमजा, मोहम्मद तलहा और साजिद खान, ताज वली और ऐसे तकरीबन 28 खिलाड़ी बनते हैं जिनका ये कैंप जो है बुलाया गया है। और मेन पर्पस जो ये है कि इनमें से ज़्यादातर टेस्ट के खिलाड़ी शामिल हैं कि उनको किसी तरह से क्रिकेट के साथ इन रखना है, और ख़ासकर जो डोमेस्टिक में अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनको किसी ना किसी तरह से कोचेस के अंडर लेके आना है और उनके खेल में मज़ीद निखार लाना है। अभी जो आप सेशन देख रहे हैं ये जस्ट एक फील्डिंग सेशन है, इस तरह के दिन में 2 सेशन होते हैं, खिलाड़ियों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है मगर फ़िलहाल अभी इब्तदाई दिनों में फोकस सिर्फ इनकी ट्रेनिंग पर किया गया है। और आप देख सकते हैं कि अब्दुल मजीद जो हैं यहाँ पर ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और इससे पहले खिलाड़ी भी अपने लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे मोहम्मद अब्बास की अपने वीडियो देखी थी कि वो कैचिंग प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो ये एक बड़ा ही सख्त गर्मी के अंदर जो है वो कैंप अगरचे ज़रूर बुलाया गया मगर खिलाड़ियों की आप गर्मजोशी देखें तो वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जाहिर है खिलाड़ियों के लिए सर्दी गर्मी जो है मौसम वो इतना असरअंदाज नहीं होता जितना आम इंसान के लिए होता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल होते हैं और ऐसी कंडीशन में ही ये खेलते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो आप वीडियो देख रहे हैं ये जस्ट फील्डिंग ट्रेनिंग की है, मगर आप पाक टीवी के साथ जुड़े रहिएगा और आपको इनकी बैटिंग बॉलिंग की जो ट्रेनिंग है और ख़ासकर फील्डिंग की जो नए ड्रिल्स कराए जाएंगे बहुत ही दिलचस्प ड्रिल्स होंगे वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप ये फील्डिंग ट्रेनिंग की वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको इन्हीं खिलाड़ियों की बैटिंग बॉलिंग की फील्डिंग भी ज़रूर देखने को मिलेगी। Thank you.
Just for you.